हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के रिवीजन एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन नंबर है 73। क्या कह रहा है कि टू कोन्स विद द सेम बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग देयर बेस, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप फॉर्म्ड। देखिए क्या कह रहा है कि दो गो कोन को जिसका सेम रेडियस है और सेम हाइट हो ज्वाइन किया जाता है उसके बेस के अलोंग में, है ना जी। चलिए मैं उस तरह से ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ, यहां से इस तरह से, ठीक है, एक कोन हो गया ये और दूसरा कोन इधर से है, ठीक है, इस तरह से दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है। जबकि इनका दिया हुआ है दोनों के लिए, यहां पे इसका हाइट और रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर हाइट और रेडियस दिया हुआ है। यहां पर देखिए क्या दिया है, हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर, इसमें भी वही इसी तरह से दिया है। चलिए तो हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर, इसका भी 15 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है यहां पर 8 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन कितना दिया है भाई, 8 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है, हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट दिया हुआ है यहां पर 15 सेंटीमीटर, तो स्लेंट हाइट चाहिए होगा। चलिए अब स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, कोन का स्लेंट हाइट क्या होगा, एल, जो कि होगा रूट अंडर एच का स्क्वायर और प्लस में आर का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 15 और 8 का स्क्वायर प्लस में, 15 का स्क्वायर यहाँ पर 225 और प्लस में यहाँ पर आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी कि रूट अंडर 200 कितना आ जाएगा जी, 89 आ जाएगा, 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है, 17 सेंटीमीटर एल का वैल्यू हो जाएगा स्लेंट हाइट। तो चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द शेप फॉर्म्ड, सरफेस एरिया ऑफ द शेप फॉर्म्ड, जो शेप फॉर्म्ड हो रहा है उसका सरफेस एरिया। तो हम लोग दो को कोन का कर्व सरफेस एरिया जोड़ देंगे तो हो जाएगा, इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 2 × कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना जी, ऐड कर देंगे दो को कौन का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि तो सट गया ना इसका बेस, तो ये तो गायब हो गया, ये खाली कर्व वाला ही ना बच जाएगा, तो 2 × में कर्व सरफेस एरिया 2πRL हो जाएगा। 2π की जगह पर आप चाहो तो 22/7 रख सकते हो, ठीक है ना जी, 22 और बाई में 7, आर का वैल्यू 8 है और एल का वैल्यू है यहाँ पर 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कोई तो कटेगा नहीं, देखिए तो ये 22 44 44 में फिर 8 से मल्टीप्लाई करो और फिर आपका 17 से, तो आ जाएगा 5984 और बाई में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें डिवाइड कर देते हैं हम लोग 7 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 854.8571 अप्रॉक्स में सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अप्रॉक्स में अगर देखें तो इसे अप्रॉक्सीमेटली 855 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा अप्रॉक्स में, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर इज हॉलोड आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए क्या कह रहा है कि एक क्यूब शेप में एक सॉलिड है जिसका रेडियस दिया, साइड दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, क्यूबिकल में यहाँ पे देखिए क्यूब शेप में मैं बना देता हूँ, इसका साइड दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी, इसका साइड कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। क्या कह रहा है, एक कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसमें से कट किया जाता है, रेडियस कितना है उसका 3 सेंटीमीटर है और हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इस तरह का कोनिकल इसमें से शेप काट लिया जाता है, इसका रेडियस दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग पार्ट का हमें क्या निकालना है जी, वॉल्यूम निकालना है। चलिए तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास साइड ऑफ अ क्यूब, क्यूब का साइड यहाँ पे दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर, अच्छा रेडियस क्या दिया हुआ जी, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ द कोन, कोन कितना दिया, कोन का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हाइट, हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द
रिमेनिंग सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोल को, ठीक है ना जी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, यहाँ पर इसके साइड का क्यूब हो जाएगा, और कोन के लिए क्या हो जाएगा, 1/3 πr² h, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइड साइड है आपका 7 सेंटीमीटर का क्यूब, और माइनस में 1/3, पाई की जगह 22/7, आर का वैल्यू है 3, 3 × 3, एच का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, एक 3 से 3 कट जाएगा, तो इस 7 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा जी, तो आ जाएगा ये आपका 243 हो जाएगा, नहीं 343 हो जाएगा, ठीक है ना जी, 343 सेंटीमीटर क्यूब, और माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, ये कितना मल्टीप्लाई करने पर होगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 277 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, टू सॉलिड्स कोन्स ए एंड बी आर प्लेस्ड इन अ सिलिंड्रिकल ट्यूब। देखिए सिलिंड्रिकल ट्यूब में ये दो कोन को प्लेस्ड किया जाता है, शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी आर 2:1, अच्छा इनका कैपेसिटी जो है 2:1 है। फाइंड द हाइट कैपेसिटी ऑफ कोन्स, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ द रिमेनिंग पोर्सन ऑफ द सिलेंडर, रिमेनिंग पोर्सन ऑफ द सिलेंडर का भी वॉल्यूम हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर इनके कैपेसिटी का जो रेशियो है 2:1 है, इन दोनों कोन्स के कैपेसिटी का रेशियो 2:1 है, अच्छा रेडियस दोनों के लिए 3 सेंटीमीटर इधर भी और 3 सेंटीमीटर इधर भी हो जाएगा, हाँ हाइट डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, हाइट दोनों का डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ फर्स्ट कोन इक्वल टू में हम लोग ले लेते हैं इसका कैपिटल एच, एंड हाइट ऑफ सेकंड कोन उसको ले लेते हैं हम लोग स्मॉल एच ले लेते हैं, ठीक है ना जी, एंड यहाँ पे रेडियस ऑफ ईच कोन का रेडियस कितना है जी, इस कोन का रेडियस जो है वह 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा अगर हम लोग हाइट h इसको ले लिए तो इस हाइट h को हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं, चाहो तो टोटल 21 है तो 21 माइनस कैपिटल h भी लिख सकते हैं, आप इसको h माने तो इसको 21 माइनस h भी तो लिख सकते हैं क्योंकि टोटल हाइट 21 है। चलिए तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि द रेशियो ऑफ द capacities of two cones के capacity का ratio जो दिया है 2:1 दिया है, तो पहले वाले कोन के लिए 1/3 πr² capital H, दूसरे वाले के लिए 1/3 πr² small h equal to में 2/1, ये 1/3 πr² कट गया, ये h और by में ये small h जो है 21 minus h के equal है, equal to में 2/1, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 में 2 से मल्टीप्लाई 42 और माइनस का 2h, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 3h इक्वल टू में 42, इसको ले जाते हैं डिवाइड में तो 14 आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ फर्स्ट कोन का हाइट जो हो गया 14 सेंटीमीटर, और सेकेंड कोन का क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सेकेंड कोन क्या हो जाएगा, सेकेंड कोन का हाइट क्या हो जाएगा जी, वो आपका कितना था जी, 21 माइनस का h, यानी कि 21 और माइनस का 14 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा दोनों का कैप वॉल्यूम भी निकालना है, देख लो तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन क्या होगा, तो फर्स्ट कोन जो है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 πr², तो आर स्क्वायर, और यहाँ पे उसका हाइट h, 1/3 πr² के जगह पे 22/7, और r है यहाँ पर रेडियस 3 था, 3 × 3, और हाइट हो जाएगा इसका 14 सेंटीमीटर क्यूब, इसे काट सकते हैं इसे 2 टाइम्स में, और ये 3 से एक 3 कट जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2 = 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो आपका हो जाएगा 132 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब सेकेंड वाले का वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन का क्या हो जाएगा, 1/3 πr² चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 1/3 πr² की जगह 22/7, r है 3, 3 × 3, और स्मॉल h है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर क्यूब, 7 से 7, 3 से 3 गया, यहाँ पे आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब।
अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड भी निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम। तो देखिए टोटल वॉल्यूम हो जाएगा उसका सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, और हाइट जो दिया था, हाइट कितना था जी उसका 21, हाइट ऑफ उसको 20 कितना था जी, मैं वैल्यू रख ही देता हूँ डायरेक्ट, समझ गए ना, पाई की जगह पे 22 बाई में 7, आर स्क्वायर यानी कि 3 इंटू में 3, और एच की जगह पे 21 सेंटीमीटर क्यूब, और माइनस में 132 एक कोन का और दूसरे वाले कोन का, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए तो मल्टीप्ली कट जाएगा 7 3 21, ये 27 हो जाएगा, 3 3 3 3 3 तो 27, और 27 में 22 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 594 सेंटीमीटर क्यूब, और माइनस में 132 सेंटीमीटर क्यूब, और माइनस में 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों को घटा देते हैं इसमें से, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 132 को और फिर आपके 66 को, तो आपका आ जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में 76 देखिए, एन आइसक्रीम कैन फुल ऑफ आइसक्रीम हैविंग द रेडियस 5 सेंटीमीटर। अच्छा रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट, टोटल हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर सोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम प्रोविडेड दैट 1/6 पार्ट लेफ्ट अनफिल्ड विथ आइसक्रीम। अच्छा प्रोवाइडेड है डैट, ये है कि 1/6 पार्ट जो है ना वो लेफ्ट रह जा रहा है आइसक्रीम से, ठीक है ना जी, 1/6 पार्ट। चलिए तो यहाँ पे देखिए रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ कोन या फिर हेमी स्पेयर दोनों का दिया हुआ है, कैसे क्या है रेडियस 5 सेंटीमीटर। अच्छा तो ये यहां से यहां भी ये 5 होगा, तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, तो टोटल 10 सेंटीमीटर में से ये 5 सेंटीमीटर सब करेंगे तो हाइट आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो अब यहां पे हम लोग लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम क्या है जी, तो आइसक्रीम का वॉल्यूम के लिए यहां पर क्या करेंगे जी, वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम के लिए तो 2 इंक्लूडिंग, इसमें लिख देते हैं इंक्लूडिंग लेफ्ट पार्ट या अनफिल्ड पार्ट, इंक्लूडिंग अनफिल्ड पार्ट, इसमें से जो खाली रह जा रहा है ना 1/6 उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो कोन का वॉल्यूम और यहां पर हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3 πr³ और कोन का हो जाएगा 1/3 πr² h, यहां से 1/3 πr² कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 2r और प्लस में h। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1/3 इंटू में 22 बाई में 7 और r का वैल्यू है 5 × 5, 2 इंटू r का वैल्यू है यहाँ पर 5 और h है यहाँ पर आपका 5 ही नया है जी सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में 25 इंटू में ये 15 आ जाएगा ना 15 सेंटीमीटर क्यूब, ये 3 से कट जाएगा 15 5 टर्म से, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 125 और 125 में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 से तो आपका आ जाएगा 2750 और बाई में 7 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 392.85 सेंटीमीटर क्यूब। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/6 टोटल वॉल्यूम का लेफ्ट रह जा रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ आइसक्रीम, तो क्या हो जाएगा उसके लिए, तो टोटल जो वॉल्यूम है 392.85 सेंटीमीटर क्यूब माइनस ऑफ कितना 1/6 इसका 392.85 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको इसे काट देंगे 6 से, तो 392.85 सेंटीमीटर क्यूब और माइनस में 65.47 है ना अप्रोक्सीमेटली लेते हैं सेंटीमीटर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 327.375 या फिर आप
सेंटीमीटर क्यूब, या फिर एक काम कर दो, यहाँ कितना था जी, 4.7 आया था आपके, 4.7 यहाँ 5 तक, ठीक है ना जी। तो सब टेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये अप्रॉक्स में, आप लिख सकते हैं 327.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, अप्रॉक्स में ये आपका हो जाएगा वैल्यू। तो यही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, रिक्वायर्ड पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा ये हो जाएगा, समझ गया। तो आज की क्लास में इतना ही, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे, आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रवि कांत सर, रवि कांत सर। और तीसरा चैनल है रवि कांत सर, रविकांत सर, आर डी शर्मा सोल्यूशन, आर डी शर्मा सोल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।